हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम टेक 23। दोस्तों ये देखिए, मैं इसकी कपलिंग खोलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन इसकी कपलिंग नहीं खुल पा रही है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों, और ये हम इस जार को कैसे ठीक करेंगे, इस वीडियो में अंत तक लगे रहिए दोस्तों। उसको ज़रा सा भी स्किप ना करें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसकी कपलिंग को हमने कटर प्लास की मदद से इसको उखेड़ लिया है। इसके अंदर की चूड़ियाँ जो हैं दोस्तों, वो कट चुकी हैं, मर चुकी हैं, तो दोस्तों ये बेकार हो गया है। अब देखिए, ऊपर एक लट्टू लगा होता है इसके, ये जो मैं बोल्ट खोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का लट्टू होता है, जो पेच होता है उसके अंदर, तो दोस्तों इसमें पेच भी नहीं है, ये भी मुझे इसमें डालना है। तो हमें किस तरह से दोस्तों इसको ठीक करना है, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। अब देखिए, लट्टू मैंने निकाल दिया है इसके अंदर से, ये वाला लट्टू लगा होता है दोस्तों। क्या होता है, ये लट्टू टूटने से हमारा जो ब्लेड है वो पिले मार जाते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है कि हमारी शाफ्ट जल्दी कट जाती है और ब्लेड भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब दोस्तों इससे ये होता है यहीं पर ये जाम रहते हैं, अच्छे खासे टाइम तक ब्लेड चलते रहेंगे और शाफ्ट भी जल्दी ख़राब नहीं होगी। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर कुछ कांटे टाइप के बने होते हैं, ग्रुप टाइप के बने होते हैं, वो हमें सीधे कर लेना है दोस्तों, तभी इसमें आप लट्टू लगा पाएंगे। अब देखिए, इसको वापस हमें उसी तरह टाइट कर देना है। दोस्तों इसमें हल्की सी पिले आ रही है, तो मैं इसमें दूसरा वाला लट्टू लगा के देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दूसरा वाला लट्टू मैं लगा रहा हूँ, तो ये वाला लट्टू बिल्कुल ही ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमारे ब्लेड बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, अब हमें वापस इसको उसी तरह लगा देना है। अब दोस्तों करना क्या है, इसके अंदर हमें बार्सल डाल देना है। बार्सल में आपको ये देखना है कि अगर ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, आपके ब्लेड ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो दोस्तों ख़राब है। बिल्कुल हल्की सी पिले होना ही चाहिए इसमें, हल्की सी, ज़्यादा पिले नहीं छोड़ना है इसमें आपको दोस्तों। अब देखिए, मैं इसकी कपलिंग निकाल लेता हूँ, ये पुरानी वाली कपलिंग तो इसकी निकाल के मैंने फेंक दी है। और हाँ, अगर आपकी कपलिंग अगर ख़राब हो जाती है तो आप इसको मार्केट से लाएंगे तो आपको 4 से 5 रुपये में दोस्तों ये मिल जाएगी। किसी मैकेनिक के पास लेके जाओगे तो आपसे 40 से 50 रुपये भी इसके ले सकता है, इसलिए इतना काम अपने घर पर भी आप बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, मैं वापस इसमें कपलिंग लगा देता हूँ। और दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी वाले बेल आइकन पर दोस्तों प्रेस कर दें। ये देखिए दोस्तों, जार हमारा बिल्कुल ही कम्प्लीट हो गया है, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।